हेलो, वेलकम टू हरीश किचन। आज का रेसिपी है चिकन करी। ये हम 30 मिनट में बनाएंगे। स्टोव को ऑन करके हाई फ्लेम में रख के ऊपर एक पैन रख दो, उसमें 4 से 5 टीस्पून जितना ऑयल डाल दो। ऑयल गर्म होने के बाद एक लवंग, एक इलायची, थोड़ा दालचीनी, बिरयानी का पत्ता डाल के उसको फ्राई करो। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद बारीक से कटा हुआ 2 ऑनियन डाल दो उसमें, उसको फ्राई करना है। फ्राई करते समय थोड़ा हल्दी डाल के और नमक भी डाल दो। नमक डालने से प्याज जो है जल्दी पक जाएगा। 1 स्पून जितना डाल के फ्राई कर दो, चाहिए तो बाद में डाल सकते हैं। एक बार ऑनियन फ्राई होने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो, 2 स्पून जितना। उसके बाद 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दो। नमक और लाल मिर्च जो है आपका टेस्ट के हिसाब से डाल दो। उसके बाद अच्छे से मिक्स करो ताकि ये पूरा मसाला जो है ऑनियन को लग जाएगा। थोड़ा फ्राई होने दो। ऑयल बाहर निकलने के बाद अच्छे से साफ किया हुआ चिकन उसमें अंदर डाल दो। डाल के वो मसाला पूरा चिकन के ऊपर लग जाए ऐसा मिक्स करो। मिक्स करने के बाद उसमें बारीक से कटा हुआ टमाटर डाल दो। टमाटर डालने से थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा बनेगा। उसके बाद उसमें ढक्कन रख के थोड़ी देर फ्राई होने दो। ये 3 से 4 मिनट के बाद एक बार उसको मिक्स करना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, नीचे का जो पीसेस है वो पूरा जलने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाद धनिया का जो नीचे का हिस्सा है उसको अच्छे से काट के डाल दीजिए, इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। थोड़ी देर पकने के बाद थोड़ा मुझे जितना पानी डाल के उसको मिक्स करके ढक्कन रख दीजिए। मैं 1/2 किलो चिकन लिया था इसमें। दस पंद्रह मिनट के बाद ये अच्छे से पक जाएगा। चिकन जो है 10-15 मिनट में पक जाएगा। पकने के बाद एक बार टेस्ट कर दीजिए। टेस्ट अच्छा लगा तो धनिया का पाउडर, गरम मसाला वो सब डाल दीजिए इसको। अगर आपको नमक या तीखा कम पड़ता है तो आप लाल मिर्च और सॉल्ट ऐड कर सकता है। जब आपको टेस्ट सब कुछ सही लगा उसके बाद धनिया डाल दो। धनिया डाल के इसको स्टोव ऑफ करके गरम गरम सर्व कर सकता है। ये रोटी में भी अच्छा लगता है, चावल में भी अच्छा लगता है, मेंदू वड़ा हो तो भी उसमें भी अच्छा लगता है। होप यू एंजॉयड। Please like and subscribe the channel.